बिग बॉस 14 इस बार उतनी, अगर मैं कहूँ तो, पब्लिसिटी नहीं बटोर पा रहा जितना हर साल बटोरता है, जितना हर साल लोगों को पसंद आता है। लेकिन इस बार घर के अंदर टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन से हैं? ऑलमिक्स मीडिया जो है हर हफ्ते एक सर्वे करता है बहुत सारे रियलिटी शोज को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, IPL को लेकर। तो बिग बॉस को लेकर जो उन्होंने सर्वे किया है उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट जो है वो क्या है, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडोपा आपको बताऊंगी। ऑर्मिक्स के सर्वे के अनुसार मैं टॉप 5 का सर्वे हुआ है, मैं 5 नंबर से शुरू करती हूँ। 5वें नंबर पे है इजाज, 4थे पर पवित्रा पूनिया, 3रे पर बहुत बोली निक्की तंबोली, 2रे पर सुपर इमोशनल जिसे कहा जाता है घर के अंदर हर बात पर आंसू बहने लगते हैं, जैस्मिन भसीन। नंबर 1 पर जिसको हर बार ये कहा जाता है कि तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती कि तुम क्या बोल रही हो, और वीकेंड का वार में 2 बार ऐसा हुआ है कि उन पर आधे से ज़्यादा शो जो है पूरा का पूरा दिखाया गया है। मैं बात कर रही हूँ रुबीना द लाइक की। तो नंबर 1 पर रुबीना है, 2 पर जैस्मिन, 3रे पर निक्की, 4थे पर पवित्रा, 5वें पर एजाज खान। ये जो सर्वे है ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बीच का है। लेकिन मैं सर्वे को लेकर एक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये है कि एजाज खान जो है पिछले 3 दिनों में जो हुआ है उसकी वजह से नेक्स्ट वीक ये टॉप 2 में जो है जगह बनाने वाले हैं, और इसमें राहुल वैद्य नहीं है। इस बात को लेकर मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि राहुल वैद्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑमिक्स की जो लिस्ट है उसके अनुसार रुबीना, जैस्मिन, निक्की, पवित्रा और एजाज खान ये जो है टॉप 5 में है। लेकिन ये जो है हर हफ्ते बदलता रहता है, हर हफ्ते एक नई लिस्ट आती है, और मुझे ये लगता है कि इस लिस्ट में पहली बार ऐसा होगा कि बहुत बड़े फेरबदल होंगे क्योंकि एजाज और टॉप में जाएंगे, राहुल वैद्य जो है इस लिस्ट में जगह बनाएंगे। तो हम इंतजार करते हैं अगले हफ्ते की लिस्ट का, जब इस सर्वे के अनुसार जो है पता चलेगा कि आखिर कौन से जो है 5 कंटेस्टेंट टॉप में है।